भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद के नाल लगते इलाके पिंड मुठियावाली में फाजिलका पुलिस को बरामद होए जिंदा हैंड ग्रेनेड को बठिंडा तो आई बंब निरोधक टीम ने नष्ट कर दिता। बठिंडा तो टीम फाजिलका पुजी तो टीम वालों मौके पर पुज के बंब नष्ट किया गया जिस दी लाइव तस्वीर सामने आई ने। जानकारी दिंदिया फाजिलका के DSP जोरा सिंह ने दस्सिया कि पुलिस को तलाशी मुहिम के दौरान जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलिया सी जिस तों बाद पुलिस ने इस नष्ट करने लई बठिंडा तो टीम बुलाई सी। टीम ने सावधानी के नाल इस बंब को नष्ट कर दिता। उन्होंने दस्सिया कि यह पुराना तो जंगालिया बंब सी जो कि NH-36 हैंड ग्रेनेड सी जिसकी मार 50 मीटर तक की सी। सरहदी खेत्र के लोगों ने दस्सिया कि कौमांतरी सरहद नेड़े होने कारण इदा के बंब मिल जाते हैं पर चोणां वेले किसी समाज विरोधी ताकतों के हाथ जेकर यह जिंदा हैंड ग्रेनेड लग जाता तो कुछ भी हो सकता सी। पुलिस की मुस्तैदी के चलदिया वड्डी घटना होने तो बच गई है। हैंड ग्रनेड मिलिया से सानू इतने जिंदा जिंदा दौराने सर्च अज बठिंडा तो बंब डिस्पोजल टीम बुलाई गई सी जिन्होंने अज मौका पर पहुंच के वो बंब डिस्ट्रॉय किया गया। सर यह पता लग गया कि केड़ी कितों आया सीगा किस तरह के सीगे जी? नहीं इस बारे कुछ नहीं पता है कि यह तो यही शक जाहिर किया जा रहा है भी यह 71 जी वार से पाकिस्तान ना भी उस टाइम का इतने होगा। यह किन्नी क क्षमता वाला सीगा जिहड़ा हैंड ग्रनेड जी? ये NH-36-36 होंदा है, ये काफ़ी पावरफुल होंदा जी, ये कोई भीड़ भड़के वाली जगह पर काफ़ी मार करता है। तकरीबन यह 50 मीटर के एरिए बहुत काफ़ी नुकसान करता होंदा है जी। बट यह खेतों के होने करके जिदा एक साइड यह इतने ड्रेन का बन है, एक पासे पानी है भी कोई इतने कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता सीगा भी, बट ये कोई पब्लिक का बंदा ना कोई आवे ये तो भी चलो कुदरती ये बचा हो गया सारे पास अपनी सानू मिल गया है ते हुण इहदा डिस्ट्रॉय किया गया। ये करीब कोई 20 मिनट तो आधा घंटा लगे जी, टीम ने अपना सारा अपना प्रोसैस लाया, उन्होंने बंब डिस्पोजल टीम ने डेटोनेटर वगैरह लगा के होर अपने इन्होंने सैंड बैग वगैरह ला के इन्होंने पूरी प्रिकॉशन ना इन्हू डिस्ट्रॉय किया गया। जदों भी किसी को कोई इस तरह का कोई एलीमेंट कुछ चीज़ मिलती है तो उन्होंने कुदरती मतलब कि पब्लिक नू तो दूर कर दौ तो कोई सानू इनफॉर्म करो हो सके तो भी जल्दी जल्दी पब्लिक दूर करके सैंड बैग के चार सवेरे लगाने चाहिए। यह तो नो हालात तो सर इतने नॉर्मल ही है, कोई मतलब कोई खतरा जावे तो खतरा सी पूरा जिंदा ही सी। यह महकमा आ गया, बड़ा वधिया काम हो गया जी, टीम आके सारा इन खत्म करता जी, हुण कोई खतरा नहीं है। कोई लोगों की आवाजाही रही है जी? आवाजाही तो रही है जी, कोई लकड़ी लुकड़ी पट्टना रहे और जी खतरे का नुकसान ही है। उधर तो पुराने बंब है जी, 1971 आ रहे 65 आ रहे पुराने पे है जी, और बाकी नवा नहीं है जी। ये मिट्टी च दबे रह जाते जी पुराने पहलों के, कई आमतौर खेतों खुतों से कई बार मिल जाते जी। मेरे क्या नुकसान हो सकता जी? इलेक्शन हैगी है, कोई शरारती तत्ते चढ़ जाता जो मर्जी पेन कढ के छड़ देंगे तो 50 लोगों अडजस्ट कर देंगे, घटो घट 25-30 मीटर के एरिए लै जाता जी। मैं DSP साहब आए सी सवेरे, हूँ भी मौजूद सी, तो इन्हों की होर टीम आई है बठिंडे तो, उन्होंने बड़ा वधिया काम किया जी। सारा भी बच्चा है कोई होर है पिंड नू जागरूक करो, कोई भी तुहानू कोई चीज़ लभदी है इस तरह की उन्हों हत्थ ना लाओ तो सानू फोन करो जी, तो असी उन्हां नाल सहमत है इस काम ते। फाजिलका तो प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, वधेरे खबरां लई तुसी देखदे रहो अजीत वैब TV। हुण मैनू अपने घर वाले तो पैसे मंगण की लोड़ नहीं पैनी, तो चिंती की फीस वह भी मैं आप ही भर देनी है, तो बेबे दियां दवाइयां वह भी मैं आप ही लियाउणियां ने। मेरा वीर सुखबीर, साडा अपना सुखबीर बादल आउण वाला है, ओ देऊगा मैनू 24,000 रुपए हर साल, ओ भी मेरे अपने खाते विच। मेरी वोट ओनू जेड़ा औरतां दा मोड़े मान सम्मान।